आ रही हैं शपथ लेने के लिए, और जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वो ओबीसी वोटर की लगातार बात होती है कि किस तरह का उसमें कुछ बिखराव देखने को मिला है, लेकिन यहाँ अनुप्रिया पटेल लगातार साथ बनी हुई है। अभी जो गौरव कह रहे थे ना कि नित्यानंद राय का चुनाव कठिन हो गया था, उस हिसाब से तो इनका चुनाव महाकठिन हो गया था। और अपना दल जो है ये सोनीलाल पटेल की बेटी है, और बेसिकली ये पार्टी जो बनी थी कुर्मी वोटरों के लिए बनी थी, पटेल वोटरों के लिए। अवध से लेकर पूर्वांचल तक में इस समाज के वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। दो लोकसभा सीटें इस बार मिली थी, ये व्यक्तिगत रूप से भी एक कठिन चुनावी मुकाबले में फंस गई थी। एक अपना दल को रॉबर्ट्सगंज की भी सीट मिली थी जो एसटी के लिए रिजर्व थी, वो सीट भी इस बार अपना दल हार गई है। इनके पति हैं आशीष पटेल, वो भी योगी सरकार में मंत्री हैं, और ये ऐसे एलाय हैं जिन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी इनको आपने कोई विवादित बयान नहीं सुना होगा। अनुप्रिया पटेल को बहुत सुलझी नेता के तौर पर जानी जाती है, एलएसआर से पढ़ी लिखी हैं, अच्छा बोलती हैं, समझदार महिला हैं ये, और चुनाव कठिन था लेकिन फिर भी चूंकि अपना दल का उस इलाके में प्रभाव है, इस समुदाय के वोटरों का वोट काफी है क्योंकि इनके समुदाय का उस इलाके, इसीलिए इनको फिर से, हालांकि एक ही लोकसभा की है, आप हम लोग बात कर रहे थे कि आठ के होने के बावजूद एकनाथ शिंदे गुट को राज्य मंत्री मिला, लेकिन ये एक ही सीट है, लेकिन चूंकि इलाके में जरूरत है उस समुदाय के वोटरों को कैच करने के लिए, इसीलिए अनुप्रिया पटेल को। और यूपी की पॉलिटिक्स जो जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर विनोद बिंद की रही, जो बगल से चुनाव जीते हैं, भदोही से जीते हैं, नहीं भदोही वाले जो बीजेपी के सांसद थे जिनको इस बार एसपी ने मिर्जापुर में इनके सामने रमेश बिंद को जो टिकट दिया था, रमेश बिंद, बिंद समाज का बहुत ज्यादा बहुमत है जहां पर, वहां डॉक्टर विनोद मंधुर, डॉक्टर विनोद क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिशियन ही अनुप्रिया पटेल ने अपने आप को प्रूव किया है, जब विनोद बिंद ने जाकर काम किया वहाँ, उसके बाद उन्होंने उसके चलते उसी क्षेत्र एक एक करके एक एक करके एक एक करके उनको उसी क्षेत्र से लीड मिली जिस क्षेत्र में जो रमेश बिंद थे, वो भाजपा के उम्मीदवार थे जो इस बार सपा में चले गए थे, तो उस इलाके में डॉक्टर विनोद रमेश बिंद ने जाकर के भूमिका निभाई, वहाँ इनको लीड मिली और उससे जाकर के चुनाव जीती हैं। अदरवाइज अपने प्रभाव क्षेत्रों के इलाकों में तो ये क्योंकि रमेश बिंद के सामने होने की वजह से इनको दिक्कत हो गई थी, वो बिंद समाज का पूरा वोट एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ, अलावा देखिए ऑर्गेनाइजेशनली भी एज ए पॉलिटिशियन भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अपना दल जो है वो टूट गया था, वो छिन्न भिन्न हो गया था, उसके बाद उन्होंने उस लेगेसी को संभाला है और उस लेगेसी को संभाल कर मोदी जी के साथ शुरू से साथ एक सुलझी हुई राजनीतिक